तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग द दनांग ट्रिप। ट्रिप तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो साइड से घूम लेते हैं। तो यहाँ पे एक मार्बल माउंटेन करके, मंकी फॉरेस्ट करके, सब पास में, मतलब 10 किलोमीटर्स मार्बल माउंटेन है, फेमस है, ठीक है। और मंकी फॉरेस्ट वहाँ से 40-45 किलोमीटर्स है। तो मैं देखता हूँ, पहले मार्बल माउंटेन जा रहा हूँ। उसके लिए क्या है कि यहाँ से एक बस जाती है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो हॉस्टल से वो 500 मीटर पे है, बस बहुत कम में आपको पहुँचाती है, मतलब 10-12-15 रुपये में पहुँच जाओगे। और वहाँ पे भाई ये इस तरह का एक स्टॉप है, ठीक है। जब आप गूगल वगैरह से देखोगे तो मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हॉस्टल से। और यहाँ पे अब मैं बस का वेट कर रहा हूँ, देखते कितना टाइम आ रहा है। इस गूगल पे तो 12:16 बता रहा है, R16 नंबर की बस है, इस तरह का एरिया है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है यार। तो अब देखते हैं, वो रहा आपका ड्रैगन ब्रिज सामने और मस्त। तो भाई फाइनली बस मिल गई है और मार्बल माउंटेन जा रहे हैं। लोकल बसेस में ट्रेवल कर लो तो बेहतरीन था, एसी वाली बस है सिटी की, मैं बता देता हूँ, बेहतरीन। देख यू से एंजॉय। सो दिस इज द बस, 22 मिनट्स की जर्नी कुछ बता रहा है ये, ठीक है, चलते हैं। बढ़िया, ये स्टॉप है मार्बल माउंटेन का, ठीक है। यहाँ पे बस में उतार दिया और इस वे में अपन अब चले जाएंगे। और देखो मार्बल माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, तो मार्बल्स ही मार्बल्स के बेहतरीन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, बहुत सारी शॉप्स जहाँ पे ये बना हुआ। तो ये भाई आ गए अपन एंट्री पे मार्बल माउंटेन की, ठीक है। और टिकट ले लेते हैं यहाँ पे, बताता हूँ फिर आपको। ये पार्किंग है यहाँ पे, तो पार्क कर सकते हो अगर गाड़ी वगैरह से भी आ रहे हो आप तो। सो दोस्तों 20,000 का टिकट है, ठीक है, 20,000 हो गया अपना कुछ 60-70 रुपए का। अंदर जाते हैं, मजे करते हैं, ये ग्रुप आ रहा है एक बेहतरीन। तो भाई साहब केव जैसा है, मस्त। इधर से अपन ने एंट्री ली और इधर देखो, अच्छा यार, मस्त नेचुरल है प्लेस। 60-70 रुपए में आ रहे हो, टोटल 100 रुपए का टूर हो जाएगा ये सिटी से। बहुत ही सस्ता, सुंदर, मस्त। कुछ पूजा वूजा का रखा हुआ है यहाँ पे, देखो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो पहले पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सस्ते तरीके से भी आप जा सकते हो। लाइक मेरा ये टूर 100-120 रुपीस में हो जाएगा, बेहतरीन है। और बढ़िया ट्रांसपोर्ट था एकदम मस्त, बस से आ जाओ 10-12 रुपए में। यहाँ का एंट्री टिकट ले लिया और अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप आओगे, अगर सोलो आ रहे हो तो बहुत अच्छा होता है, इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो मेरे थ्रू भी आप ले सकते हो, मेरी कंपनी की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जहाँ पे मैं आइटनरीज भी बनाता हूँ पेड, ठीक है, फ्री नहीं, पेड आइटनरीज। तो आप किस तरह से अच्छे से ट्रेवल कर लो, उसमें आपके बहुत सारी सेविंग हो जाएगी। मतलब वो आइटनरी आप मुझसे बाय कर सकते हो, बाकी अभी एंजॉय करो मार्बल माउंटेन देख यू से। सो ये यहाँ के कोई महात्मा वगैरह यार, पता तो नहीं, अब कुछ लिखा भी सब वियतनामी इसमें है, जैसा तिब्बती उसमें वो रहता है, वैसा कुछ है यहाँ पे उनका, मस्त है। तो भाई लोग ये ऐसे करके आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पूरा मस्त बेहतरीन कनेक्टेड। अपने टेंपल्स रहते हैं वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी, इनके जो भी गुरु वगैरह भगवान मान सकते हैं, के सबके पिक्स हैं, पूरे मार्बल से बने हुए। सो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जितने भी किंग्स हैं दे हैव बियर्ड लाइक, बट यहाँ पे वियतनाम में किसी को भी पता है बियर्ड नहीं है, पता नहीं। देखो यहाँ पे बियर्ड, 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 लेकिन वियतनामी जो हैं उनको किसी को भी बियर्ड नहीं है। तो भाई मेन तो अब आया, मेरे को लगता है मैंने एलिवेटर की जगह ऊपर वाला ले लिया, बहुत स्टिफी रोड है यार, देख रहे हो, मस्त। अच्छा है, बहुत सारे बूढ़े कोरियन तो नीचे रह गए कि हम नहीं जा सकते, अपन तो चलेंगे भाई। तो भाई ये मैं बाहर आ गया हूँ, और बाहर के बाद ये कुछ ऐसा है, ठीक है, उधर जाने का कुछ है, ये मार्केट है यहाँ पे। हेलो,
और ये एलिवेटर का भी जा सकते हो व्यू के लिए ऊपर ही, लेकिन इसका कुछ एंट्रेंस टिकट है 15,000 समथिंग, मतलब हो गया कुछ 50-60 रुपए। तो अपन तो मार्बल माउंटेन वाले व्लॉग में यही सब था, होपफुली आपको मजा आए होंगे। दनांग आ रहे हो तो मार्बल माउंटेन कर लो, 100-120 रुपए का है टूर, बेहतरीन। तो सिटी टूर करते करते मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं ऐसा ही ओपन बोल सकते हैं। तो इनका खाना तो थोड़ा ऐसे रहता है, नूडल्स वगैरह टाइप, तो अपन भी खा रहे हैं ठीक है, बट बहुत सस्ता है, मतलब 70-80 रुपए में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो देखो बताता हूँ आपको लोकेशन भी और क्या मैं खा रहा हूँ। सो ये आप एक तरह के नूडल्स ही बोलो ठीक है, और ये स्पाइसी रहती है चटनी इनकी, और इस तरह के ये रेस्टोरेंट्स रहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे इनको बोल दो, थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये ट्रांसलेट कर लेते वियतनामीस में तो अच्छा है, मस्त एंजॉय करते हैं। ये चॉपस्टिक्स अलग दे दिए, चॉपस्टिक्स से खाते हैं यहाँ पे, अपने को तो आते नहीं है ये, अपन चम्मच से खाएंगे, बाकी अच्छा है। तो इस तरह का ही खाना मिलेगा आपको वियतनाम में, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत कम है, मेरे को तो पता भी नहीं, अभी देखा भी नहीं है मैंने, नूडल्स वगैरह जैसा ही। और यहाँ पे एक्चुअली पानी भी कुछ उबाल के देते हैं, मतलब अभी मैंने पानी पिया, पानी की कैन रखी हुई थी, तो कुछ उबाल के पानी दिया इन्होंने, उसमें मतलब कुछ मिक्स करते, सिंपल पानी नहीं मिलता, पता नहीं मेरे को, इतना आइडिया तो नहीं है, इनसे अपन पूछ भी नहीं सकते क्योंकि इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो पूछने में ही ट्रांसलेट करने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। बट हाँ जो भी है, मस्त है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ, तो बने रहे हो साथ में, और जब भी वियतनाम आ रहे हो तो देखो सीरीज, मजा आएंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आ रहे हो तो हेल्प तो होगी ही। और फिर से मिलते हैं और बताता हूँ कहीं नई जगह दनांग या वियतनाम में ही। जय हिंद।